वैक्सीन बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। भारत ने निभाया पड़ोसी धर्म, 6 देशों में वैक्सीन की सप्लाई की जा रही है। भूटान भेजी गई कोविशील्ड की 1.5 लाख खुराक। मालदीव को 1 लाख, बांग्लादेश को 20 लाख वैक्सीन की डोज दे रहा है भारत। दूसरे चरण में श्रीलंका, अफगानिस्तान और मॉरिशस भेजे जाएंगे टीके। अब इंजेक्शन नहीं, नाक से दी जाएगी कोरोना वैक्सीन। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को ट्रायल की मिली इजाजत। वीके पॉल ने कहा गेम चेंजर साबित होगी नई वैक्सीन। नेजल वैक्सीन के लिए भारत बायोटेक ने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के साथ किया है करार। सिर्फ 1 डोज से कोरोना के संक्रमण से होगा बचाव। कोविन ऐप में बड़ा बदलाव, वैक्सीनेशन के लिए आप ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन, बारी आने से पहले भी लगवा सकेंगे टीका। फाइजर वैक्सीन के साइड इफेक्ट से अमेरिका में दहशत, स्वास्थ्य कर्मियों ने टीका लेने से किया इनकार। न्यूयॉर्क में करीब 40% हेल्थ वर्कर्स ने वैक्सीन से बनाई दूरी। ब्रिटेन में कोरोना से कोहराम, 24 घंटे में रिकॉर्ड 1610 लोगों की मौत से मरने वालों का आंकड़ा 91,000 के पार। यूरोप में कोरोना से बिगड़े हालात, जर्मनी में 14 फरवरी तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। मर्केल ने कहा नए वेरिएंट के फैलने का खतरा बरकरार। दुनिया में 24 घंटे के अंदर 5,73,000 लोग कोरोना संक्रमित, एक दिन में 14,000 लोगों की जान गई। संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 9,65,00,000 से ज्यादा हुआ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।